गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो देख रहे होंगे जैसे कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो जी हाँ, आज है हरितालिका तीज। तो आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है गणेश चतुर्थी। तो आज हमारे घर पे पूजा है। तो जैसा कि मैंने सुबह उठ के सब कुछ काम कर ली, सॉरी आपको दिखाना भूल गई, जल्दी जल्दी में काम करना था। तो पंडित जी ने टाइम दिया था 11 बजे से ही पूजा है, तो इसलिए अभी वो गए हैं नहाने के लिए, नहा वहाँ के आ रहे हैं। तब तक मैं रेडी हो चुकी, अब मैं जा रही हूँ पूजा में। मैंने व्रत नहीं किया, मेरी मम्मी की है। और क्योंकि इस बार सावन मतलब 2 मास चल रहे हैं ना, एक महीना एक्स्ट्रा है, तो इसलिए नहीं कर सकते हैं व्रत। तो मैंने ये हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया है, बट मैं आने वाले साल में ज़रूर करूँगी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि पंडित जी आ चुके हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी पूजा में बैठी हुई है। तो गाइस अभी पूजा हो रही है, पंडित जी आके पूजा कर रहे हैं। हमारे आसपास की लेडीज आई हुई हैं पूजा में, मम्मी है, चाची है, दीदी है। पंडित जी फूल दिए हैं, फूल का था स्टार्ट होगी हरितालिका तीज की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः। सभी जस में आया फ्रेश वगैरह होके, और रात को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मेरा, मतलब सोते सोते 3 बज के पार हो गया था। इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, मेरा पूरा सिर पेन कर रहा है, एकदम हालत ख़राब होकर रखा है लिटरली। और करंट भी नहीं है, आज भी नहीं है, मतलब ऐसा हाल है कि हम लोग का ट्रांसफार्मर ख़राब होकर रखा हुआ है। तो क्या ही करें, बहुत ही ख़राब हालत है। मेरा नहाने वगैरह में भी बहुत टाइम लग गया, एक्चुअली पानी निकल नहीं रहा था ट्यूबवेल से, उसमें भी प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। तो बहुत बहुत ज़्यादा असुविधा हो गया आज सुबह से, सच्ची बता रहा हूँ। और अभी पूजा हो रहा है हम लोग के घर में, और भी सब लोग पूजा में बैठे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा अभी आया, खाना वगैरह खा के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ अभी, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा आज, क्योंकि मेरा इतना सिर में पेन है और बुखार लगने वाला ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है, सच्ची का हालत ख़राब हो के रखा हुआ है। तो थोड़ा पूजा के सामने ही बैठता हूँ, पूजा हो रहा है वहाँ पे, सब लोग बैठे हुए हैं, उधर ही थोड़ा बहुत बैठता हूँ एकदम, लेकिन अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है सच्ची। श्री हरिताल का तीज व्रत कैसे कैसे डाल दो। रामचंद्र की जय, परशुद्ध हनुमान की जय, महापति महादेव की जय। एक भैया का मतलब बेटा है, देखिए इसका गेम का खेलने का, खेलो गेम खेलो, कोई दिखा दो क्या क्या कर सकता है तुम, पूरा गेम खेल रहे हैं और दिन भर गेम खेलता रहता है, पूरा मोबाइल लेके, देखिए खेल के दिखा दो, खेल के दिखा दो। फाइनली फ्रेंड्स, इसका पूजा हो गया, तुम व्रत की हो क्या? नहीं व्रत नहीं की हो, खाना खा लियो? मैं नाश्ता की थी सुबह, दादी करवा रही थी। अच्छा, बस अभी 2 रोटी का, क्योंकि मेरा व्रत नहीं है ना, इसलिए मुझे खाना है। तो अच्छा, पूजा हो गया? पूजा हो गया। तो फाइनली पूजा खत्म हुआ, तुम्हारे सुबह से पूजा होते होते अभी 3-4 बजे जाके पूजा खत्म हुआ है लोगों का। तो पूजा हो गया है फाइनली, अभी खाना खा लो जाकर, नहीं तो तुम ऐसे इससे और आधा होके 1% में रह जाओगी बस। मैं दिखूंगी ही नहीं है ना, आपके कहने उसके बाद गायब हो जाओगी तुम, गायब हो जाओगी, फूक देना छोड़ जाओगी। मैं आने वाले साल से करूंगी क्या व्रत? तुम व्रत छोड़ दो, नहीं व्रत करोगी ना, मैं सब व्रत करती हूं। पता नहीं कैसे कोइंसिडेंसली नहीं कर पा रही हूं 2 साल से, फूक दूंगा ना उड़ जाएगी, तो ऐसा हो जाएगी कुछ दिन बाद, ऐसे ऐसे ये मुंह चला जाएगा। आने वाले साल में तो पक्का करूंगी, एकदम करना ही है मुझको, तो करना ही है। अम्मा करवा चौथ कब आ रहा है पता नहीं, वो मैं करती हूँ। पता नहीं क्या करेगी, नहीं तो थोड़ा दिन के बाद ऐसे व्रत करती रहेगी ना, तो कुछ दिन के बाद उसको फूक दूंगा मैं, उड़ जाएगी, ऐसा हाल होने वाला तुम्हारा। और आपका? मेरा क्या, मैं तो दिशा बढ़ते जाएगा, मैं तो बढ़ते जाऊंगा और भी खतरनाक हो जाऊंगा, थोड़ा सा मुझे खतरनाक हो जाऊंगा। अच्छा, मैं आपके पीछे जाऊंगी तो छुप जाऊंगी ना।
अभी भी छुप जाती है तुम। तो फ्रेंड्स अभी मुझको थोड़ा सा एक काम है तो फटाफट से जाके आता हूँ। फ्रेंड्स आज का मौसम बहुत बढ़िया है ना, बारिश है ना धूप है, एकदम शानदार मौसम। देखिए क्या बढ़िया मौसम, एकदम साफ बादल, ना बारिश ना धूप, बहुत ही बढ़िया मौसम। इस वजह से हम लोग बचे हुए, नहीं तो कारण नहीं है। जो हालत खराब होता ना, पंखा भी नहीं चल पा रहा है, हालत टाइट हो जाता, लेकिन आज बारिश भी नहीं है धूप भी नहीं है, इस वजह से बढ़िया मौसम अच्छा लग रहा है, शांति है। मतलब नहीं तो गर्मी से हालत खराब होने वाला था आज। ये देखिए भूखड़ इंसान को किस प्रकार से पकौड़ी खा रही है चाट चाट के। सच में तुमको नहीं मिलता है क्या ऐसे करती है? प्यार से खा रही है, चाट रही थी, लिटरली बता रहा हूँ एकदम। देखिए 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 पकड़ा गई अच्छा ठीक है, मैं ऐसे चाट रही है, चाट चाट के खा रही है। सच में इतना टेस्टी बनाई एक्चुअली दादी बनाई है, ठीक है तुम लोग का नहीं बनता है। एग्जैक्टली मैं वही बात है, जो दादी के हाथ में स्वाद है ना वो कहीं नहीं है, कहीं कभी नहीं। इतना टेस्टी बनाई कि मैं एक प्लेट पकौड़ी खा गई, सिर्फ आलू का पकौड़ी, इतना ज्यादा टेस्टी है ना, क्या ही बताऊं मैं, शब्द में बयान नहीं कर सकती। तुम ज्यादा कर रही है, ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काट रहे, ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटो। रात से चाट रही है, दिखा दो, दो बार दिख गया ठीक है वीडियो में। नहीं, चलो नहीं। मैं ऐसे कभी खाती हूँ क्या अनिस? तुम क्या खा रहे हो? ऐसे ऐसे खाती हूँ अनिस, खाती है ये देखो, दिखा दिया भाई, ये ऐसे ही खाती है और ओवर एक्टिंग करती है। ओवर एक्टिंग का 50 रुपया कटेगा इसका, ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटो अनिस। क्या खा रहा है? खाने के लिए लड़ाई दोनों का, खाने के लिए दोनों लड़ता रहता है, दोनों खखुआ है। हम लोग का घर का सबसे बड़ा खखुआ ये और एक ये दोनों खखुआ है। मुझे तो दिख के भी लग रहा है, मुझे देख के लग रहा है। हाँ तुमको खाना खा रहा है ना और वो खाना को खा रहा है, दोनों में डिफरेंस आ गया है। तुम दोनों से बचेगा तभी तो कोई खाएगा। और देखिए मेरा चाय रखा हुआ है, मैं पिया नहीं अभी तक, लेकिन ये दोनों को देखिए चाट पूछ के खा रहे हैं, भी खा गई और वो भी खा रहे कैसे, मतलब हद है। ये खत्म करता है सारा का सारा चीज, ये खत्म करता है, मैं कुछ नहीं खा रही। मतलब एक तो जेट मिठाई इतना सारा आता है, चाचा लेके आएंगे उसके बाद सब कुछ बहुत सारा सामान रहेगा। चाचा कैसा का केक भी ये खा गया? हाँ ये खा गया तुम बड़े वाला, कोई नहीं खा रहा है तो ये मेरे लिए ही है, जबकि बोला गया था ना तुम ऑलरेडी सबका हिस्सा खा चुके थे। खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरे पेट में जाओ, यही कहता है इसका, यही बात है, समझ में? कभी खाने को ना नहीं कहता है। तुम कब कहती हो? तुम कब कहती हो? तुम ऑलवेज खाना को ना ना। तुम उस दिन मुझे बताओ, उस दिन अभी दौड़ कर आई थी खाने के लिए, अभी ना नहीं, उस दिन उस दिन तुम खाई थी उस दिन, वहाँ पे सिनेमा में हॉल में बाहर खा के गई थी हम लोग खा के गए थे, उसके बाद अंदर घुसते के साथ उसको पॉपकॉर्न खाना था। एक्सक्यूज मी, पॉपकॉर्न का साइज आपको फिर से 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग का, फिर समझे? तो मेरा शरीर के यहाँ से बड़ा था, कंपनी दे रही थी, मेरे में से चुराया खा रही थी, वीडियो में प्रूफ है। हर बार की तरह इसी बार वो हुआ, आपका मेरा एक छोटू सा खत्म हुआ और आपका इतना बड़ा खत्म हुआ। तो मैं खाया, मैं आपको देख दी नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, एक पॉपकॉर्न का बकेट लेके मैं खाया बड़ा वाला कॉम्बो पैक। एक्सक्यूज मी, यदि मैं लेती आपसे वो बड़ा वाला, बोलती ना कि हाँ चलिए बड़े वाला ही ले लेते हैं, तो सारा का सारा आप खाते, आप नहीं खाता? मैं हाँ आप ही खाते, इसीलिए ले रहे थे, बोल रहे थे बड़ा। तो चुरा कौन रहा था? चुरा कौन रहा था? चुरा का कौन खा रहा था? तो फ्रेंड्स यही हाल है, खाने के लिए लोग झगड़ा करता है, इसको अगर नहीं मिलेगा खाने के लिए तो झगड़ा कर लेगी, पूरा लड़ाई कर रहे लोग खाने के लिए दोनों। ये देखिए ये मार खाती है ना इसलिए भाग जाती है, इससे मार खाएगी तो उसका क्या होगा, चींटी मारेगा तो बैठ ही जाएगी। लेकिन ये दोनों में लिटरली सच्ची बता रहा हूँ, ये दोनों में बहुत झगड़ा होता है खाना को लेकर, मतलब कोई भी चीज़ मिठाई वगैरह कुछ भी आ गया ना तो ये दोनों में लड़ाई होने लगता है खाने के लिए, और वो खाती नहीं है ज़्यादा लेकिन जानबूझ के से लड़ती है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग का सारा काम खत्म हुआ है अभी और आ गए हैं सोने के लिए, ये तो सो भी गई थी, अभी उठी है, कान में उंगली कर रही हो फिर से? तुम्हारा खुजली होता ही रहता है, काम सो गई थी फिर मुझे उठाया, तुम्हारी इतना जल्दी नहीं रहता, मैं इतना सारा काम करता रहता हूँ, मैं आँख खोल के काम करता रहता हूँ, कल देखो 3 बजे तक क्या हूँ और तुम इतना जल्दी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लगता है सच में, और डिस्कस्टिंग, मैं क्यों नहीं समझूंगा, हालत देखिए ना, आग बंद करके बात कर रही है, आप नहीं समझोगे। वैसे अभी 10:30 बजे ही बंद होने लगता है और सुबह उठ नहीं सकती है,
सुबह उठती भी नहीं है और रात को जल्दी सो भी जाती है। फ्रेंड्स अभी मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए, बाजी जल्दी हो गया एक्चुअली, और कारण तो नहीं आया है लेकिन इन्वर्टर से ही जितना जो चल रहा है चल रहा है, इन्वर्टर का बंद होगा कोई गारंटी नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलेंगे कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नए और फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। हेलो, हाय गाइस, कैसे हो?